मैं मानती हूँ अशोक ताऊ जी के पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन उसके बेस पर आप मुझे जज नहीं कर सकती। हर इंसान अलग होता है। मेरे मायके का अमीर होना मेरी गलती तो नहीं हो सकती ना। अगर ये रिश्ता मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा नहीं होता तो मैं 21 दिन का चैलेंज लेती ही क्यों? मेरे लिए तो बहुत आसान था अपने मायके चले जाना, अपने भाई के घर चले जाना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 21 दिनों का चैलेंज लिया ताकि मैं श्लोक की बीवी बन सकूं, इस परिवार की बहू बन सकूं। 21 दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी श्लोक के साथ हुई है। मैं चाहती तो पहले ही भाग सकती थी, पर मैं नहीं भागी, मैं यहीं हूँ। मेरी शादी हुई है श्लोक से, मेरी माँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शादी के रिश्ते की अहमियत नहीं पता। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती पूनम, किसी और के किए की सजा इसे देना गलत होगा। इस लड़की को घर में ना रखने की एक वजह है मेरे पास। श्लोक और सुमित को अलग कर दो, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय, वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी। सालों से मैंने इस घर के हर एक सदस्य को छोड़े रखा है, जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं। इस घर के लिए के सही है के गलत है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तेरी खुशी ना है बल्कि तेरे खुशियों के बीच खड़ी दीवार है ये श्लोक। मां सुमित ही मेरी खुशी है, मैं और वो एक साथ हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये क्या कह रहे हो आप? एक मार से बेहतर कौन जान सकता है कि उसके बेटे के लिए के सही है? अपने माँ पे भरोसा रख बेटा। हाँ मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं काटी, लेकिन आज मुझे तेरी वजह समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सुमित को ना अपनाने की कोई जिद पाल ली है। पर श्लोक, जब से ये लड़की इस घर में और हम सबकी जिंदगी में आई है, एक रात ऐसी नहीं बीती जब हम सब चैन की नींद सोए होंगे। मम्मी जी, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो जाए, मैं श्लोक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहूंगी हमेशा, और ऐसा हो उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।